ये कहना चाहूंगा बच्चों के बारे में। सबसे पहले तो अभिभावक को कहूंगा कि बच्चों को ये मत कहें कि आप इतना नंबर लाइए, आपका पड़ोसी ये लाया है ये लाया। आप बच्चों को जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में जाने दीजिए, आप उनको करने दीजिए उनके ऐसे, क्योंकि वो दिल से लेंगे। आप अगर उसको करेंगे जबरदस्ती थोपेंगे वो तो एक वो हो गया ना, आप सर्कस में देखे होंगे कि अगर शेर को हंटर मारोगे बैठ बोलोगे तो बैठेगा, खड़े हो तो खड़े होगा, है ना। वो आपके ऐसे नहीं, वो हंटर के डर से वो करेगा। वैसे ही बच्चे हैं, आप बच्चे को जैसा वो करोगे वैसा होगा। बच्चे को वो कर दो, वो बच्चे चाहेगा मैं इस फील्ड में जाना चाहूँ या उस फील्ड में, उसको जाने दीजिए। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, द्वार द्वार राम राम, सतकाल, वालेकुम अस्सलाम, आदाब, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं अपना आपका स्वागत करता हूँ अपने इसमें वीडियो को, हमारे वीडियो को गौर से सुने। हमारे जितने भी मित्र हैं, रूपधर दिया है, हमारे परमेश्वर दिया है, संजय यादव जी, हमारे विनोद भाई, हम सबसे एक जानकारी लेंगे वीडियो के माध्यम से कि हमारे और जो चैनल पर है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के वीडियो हमारे आपके चैनल को पहुंच करें। तो दोस्तों आगे मैं आप लोगों को लेके चलता हूं, हमारे भाइयों से बात करेंगे। तो भैया नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। नमस्कार, सबसे पहले मैं तो आप लोगों को यानी दर्शकों को अपना नाम बता चुका हूं, आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुद्र बघेल। आपकी एजुकेशन जो है वो कहाँ? BSc हो चुकी है। और अभी आप कहाँ कार्यरत हैं? मेडिकल कॉलेज में, वाहन शाखा में। वाहन शाखा में। और आपको खाने में क्या पसंद है, आपका फेवरेट डिश? नॉनवेज फेवरेट। चिकन में बताइए, चिकन में से चिकन ही है मेरा फेवरेट। और वेज में क्या पसंद है? वेज बोलने से मटर पनीर। मटर पनीर। और रंग में क्या पसंद है आपको? रंग में कौन सा फेवरेट रंग है आपका? कलर बोलने से ग्रीन है मेरा। ग्रीन आपको पसंद है ना। और बचपन की यादें अगर आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं, चाहे वो खाने के मामले में हो, चाहे वो घूमने के मामले हो, कुछ भी अपने बचपन की जो यादें हैं, आप कैसा बचपन व्यतीत किए, वो वीडियो के माध्यम से लोग आपसे जानना चाहेंगे। मेरा जो फेवरेट है ना, घूमने का और पर्यटक में जाने का, ये पसंद थी मेरी। और बचपन का कोई खेल? खेल बोलने से मेरा वर्तमान वही है, शुरू से ही लेकर लास्ट तक एक खेल कूद में मेरा वो था, ये क्या बोलने से दौड़ में मैं फेवरेट था मैं। अपने बस्तर के जो वासी हैं उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? बस्तर वासियों को तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि उनको आगे से आगे अच्छा से अच्छा आदमी अच्छा से आगे बढ़े। क्या करें बस्तर वासी तो आगे से आगे बोलना चाहिए था कि उनको पढ़ाई से जारी रखना चाहिए और अपने करियर में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़े तभी आदमी आगे बढ़ेगा। तो भी आपका शुभ नाम क्या है? परमेश्वर यादव है। परमेश्वर यादव जी। तो मैं ये जानना चाहूंगा भैया, अभी हम लोग पिकनिक में आए हैं, सभी मित्र भैया जो भी है ना, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लगा जी। तो बचपन की यादों के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि हर किसी की जो यादें हैं बचपन से जुड़ी होती है, तो आपका बचपन कहाँ बीता, कहाँ पे आपका पढ़ाई लिखाई? मेरा बचपन तो ऐसे बहुत जगह गुजरा है, वैसे देखा जाए तो मतलब पूरे बस्तर एरिया में घूम चुका हूँ, और मेन मतलब जहाँ स्थायी हुआ हूँ वो है तोंगपाल। तो अभी वर्तमान में आप कहाँ निवास रहते हैं और कहाँ कार्य रहते हैं? अभी मैं वर्तमान में तो मैं यहाँ तेतरकुटी जगदलपुर में हूँ, और अपना मतलब जॉब है मेडिकल कॉलेज में है। तो आपका पसंदीदा रंग क्या है? ग्रीन है। ग्रीन। ये तो कोइंसिडेंस है दोस्तों कि रूपधर भैया का, हमारे परमेश्वर भैया का पसंदीदा रंग है ग्रीन। ग्रीन। और खाने में क्या पसंद है? खाने में अपना तो नॉनवेज में है देखा जाए तो ज्यादातर चिकन है। चिकन। और वेज में क्या पसंद है आपको? वेज में जो मिल जाए, जो मिल जाए यानी कुछ भी, कुछ भी मिल जाए। और अगर मीठे की शौकीन है तो मीठे में क्या खाना पसंद करेंगे? मीठे में अपना है रसगुल्ला है। रसगुल्ला। और जैसे बस्तर वासियों का आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारे बस्तर वासी किस तरह आगे बढ़े पढ़ाई लिखाई इसके माध्यम से, या फिर कुछ और क्या कहना चाहेंगे उनको, क्या आप संदेश देना चाहेंगे? बस मतलब पढ़ाई के मामले में तो देखा जाए तो थोड़ा सा मतलब बस्तर पीछे ही है, उनको थोड़ा सा आगे मतलब और मतलब वो होना चाहिए, जैसे
पढ़ाई करके प्रोग्रेस करना चाहिए। और आपका पर्यटन क्षेत्र क्या है जो बहुत पसंदीदा पर्यटन क्षेत्र है हमारे बस्तर में? बस्तर में तो अपना वही दो ही क्षेत्र है, चित्रकूट। और कभी आपको अगर मौका मिले बाहर जाने का तो कहाँ जाना चाहेंगे? बाहर जाना चाहे तो पर्यटन के मामले में बोला जाए तो आपका एक है वाल्टियर जो सबसे सस्ता पास है और सुंदर है। मेरा नाम विनोद सिंह ठाकुर। और अभी वर्तमान में आप कहाँ निवास रहते हैं? अभी वर्तमान में मैं कोंडावल में हूँ, कालीपुर कोंडावल। तो जगदलपुर से लगभग समीप में ही है जी। तो आपका पसंदीदा रंग क्या है? मेरा पसंदीदा रंग है ब्लू। ब्लू जी, यानी कि ब्लू यानी नीला जी। और आपको नॉनवेज अगर खाने की कोई प्रेफर करे तो आपको क्या पसंद है? मेरे को नॉनवेज में बकरा पसंद है। बकरा जी। और अगर वेज में पसंद करें तो क्या खाएंगे आप? वेज में तो भाजी वाजी चल जाएगा। भाजी यानी हरी सब्जी? हरी सब्जी। तरकारी। और अगर एजुकेशन के मामले में बात करें तो आप क्या चाहते हैं कि हमारे बस्तर में किस तरह का विकास करे हो और हमारे बस्तर के जो बच्चे हैं युवा हैं जी वो किस फील्ड में जाएं, क्या पढ़ें, क्या करें? तो उन लोगों को पढ़ाई में बोला जाए तो देख रहे हो आप जिस टाइप का बच्चे हैं, नशा मुक्ति हो, सीधी साफ बात नशा मुक्ति हो बच्चे लोग, खेल में अच्छा रहे, एजुकेशन के मामले में अच्छा रहे और सबका इज्जत करे, रिस्पेक्ट जी। प्लस तीसरा खेल कूद है, जो माता पिता अगर उनको प्रोत्साहन कर सकते हैं तो खेल कूद में प्रोत्साहन करें तो ताकि बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। खेलकूद की बात करें तो बचपन का कोई ऐसा खेलकूद का नाम बताए जिसे आप इंजॉय करते हो जो आज वर्तमान में कहीं ना कहीं लुप्त हो चुकी है, तो कौन सा ऐसा खेल है, कौन कौन से ऐसी खेल है जो आप खेलते थे जो अभी नहीं है, इंजॉय करते हैं, उन खेलों के नाम बता दीजिए। हम लोग बचपन में खेलते थे खो खो, बारह डंडी, कबड्डी, ये सब खेल अभी लुप्त हो चुकी है। अभी लोग खेलते हैं बैडमिंटन, ज्यादातर फुटबॉल खेल लेते हैं, तीसरा एक खेलते हैं बैट बॉल खेलते हैं, मतलब क्रिकेट। तो ये तीन खेल चल रहा है, और बाकी चौथा एक है, मतलब अगर एक चांस मिले तो लोग डांस की तरफ जाते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि अपना नाम कमाने के लिए। बाकी ये खेल कूद को तो छोड़ ही चुके, मतलब इसका नाम भी नहीं पता है लोगों को, तो वही। और अभी वर्तमान में जो खाने पीने की चीजें हैं, मान के चलिए कोई भी चीज हम खाते हैं, सीजनल फूड या सीजनल खेल जैसे पतंग उड़ाना, भौरा, बाटी, बोट, जो भी खेलते हैं, तो आपके समय में जब आप लोग छोटे थे उस समय कैसा माहौल था और अभी कैसा माहौल है? हमारे समय में तो अच्छा माहौल था, क्योंकि उस समय वाहन का आवाजाही कम था, तो हम लोग भौरा खेल लेते थे, पतंग उड़ाना कर लेते थे, प्लस बाटी भी खेलते थे, बस इधर जाना उधर जाना। अभी तो छोटे छोटे बच्चे लोग के हाथ में मोबाइल का वो दे दिए, मोबाइल में ही यानी सिमट गई है। तो आप लोगों को क्या लगता है बच्चों को क्या कहना चाहिए कि बाहर निकले खेल कूद करे तो उससे बच्चों का विकास भी होगा, तो विकास भी होगा, प्लस पढ़ाई में भी ध्यान दे। अगर बचपन की खेलों की बात करें तो आपके मन में यानी कि कोई आपका पसंदीदा खेल जो आज वर्तमान में जो बच्चे वो नहीं खेलते हैं तो उनके विषय में क्या करना चाहिए? बच्चों को खेल के मैदान, हालांकि समय के हिसाब से खेल के मैदान नहीं है ना, हमारे समय में जो जगह थे वो नहीं है, अब वहाँ पे बिल्डिंग ही बन चुकी है। तो आप लोगों को क्या लगता है आपके समय में जो खेल था, क्या क्या खेल आपको पसंदीदा खेल था और आज बच्चों को क्या खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए? तो सबसे पहले बात करेंगे आपके समय के खेल के बारे में। हमारे खेल समय थे बाटी, गिल्ली डंडा, लुका छाई, और दूसरा है बोला जाए तो आपका पिट्टू वगैरह, ये सब था। लेकिन आज के बच्चे इस क्षेत्र में नहीं है, वो सिर्फ अभी वॉलीबॉल, क्रिकेट, इसी में बैडमिंटन। बीमारी जो है मोबाइल है, बच्चे घर में रहते हैं हाँ। कहीं ना कहीं उनकी आंखों में भी इफेक्ट पड़ता है इससे, और बच्चे सीमित हैं। तो बच्चे अगर मैदान में नहीं आते हैं तो उसका रीजन क्या है? रीजन तो ये है कि मेन है आपका स्कूल में सिर्फ जो टीचर सिखाया जाता है वही बस सीखते हैं, बाकी इससे ज्यादा नहीं सीखते। और हम लोग खुद नहीं चाहते कि बच्चे मैदान में जाए, बाहर खेले, बाहर घर में रहे, हम खुद रोकते हैं। तो उस विषय में आप क्या चाहने चाहिए बच्चों का अगर मानसिक और शारीरिक विकास अगर करना है तो हम लोग को क्या करना चाहिए? हमको मतलब उनको करना चाहिए कि मैदान में जाके खेले,
और टीचर भी जैसे बच्चा खेलना चाहे उस हिसाब से खेला जाए, ये नहीं कि आप टीचर जो बोले वही खेले, बच्चों के पसंद के हिसाब से, पसंद के हिसाब से खेल। अब टीचर जो बोल दिए वही खेल रहे हैं तो उसी में सीमित है, वो आगे मतलब नहीं बढ़ पा रहे। कहीं ना कहीं हमारे मानसिकता के हिसाब से बच्चे चल रहे हैं तो बच्चों का विकास जो सही तरह से नहीं हो रहा, उनको टीचर्स पेरेंट्स सभी को ध्यान देना चाहिए। आपके जो बचपन है आपने कौन कौन से खेल खेले और आपको कौन से खेल पसंद थे? मेरे खेल बोलने से बचपन से बाराडंडी खेली है, खो-खो है, खो-खो का तो खिलाड़ी था मैं, मैंने ऊपर से आज के बच्चे में मोबाइल के थ्रू, मोबाइल गलत कोई गलत चीज नहीं है, उसमें से ऑनलाइन क्लास ली जाती है, उसमें से मतलब बच्चे खुद होकर खुद गलत रास्ते में जाते हैं तो बात अलग है। समझा देना चाहेंगे कि मोबाइल का इस्तेमाल किस तरह से करें? मोबाइल शिक्षा के स्तर पे समझाइश करेंगे, शिक्षा के स्तर पे तो मोबाइल ठीक है, ऑनलाइन में हर नीट का पढ़ाई करे एमबी जो भी है शिक्षा स्तर पे वो तो ठीक है, लेकिन अब अपने आप उन लोग नीचे स्तर में गिर जाएंगे उसका भविष्य उन लोग खुद जिम्मेदार है बच्चे। अभी जो बच्चे हैं शरीर यानी शारीरिक रूप से उनका विकास तो हो जाता है, हाइट बढ़ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक रूप से उनका यानी विकास नहीं हो पाता, तो आप इसे खेल कूद के हिसाब से यानी कि मानते हैं या शिक्षा के हिसाब से मानते हैं? क्योंकि हमारे समय में जब बच्चे छोटे थे तो खेल के मैदानों में खेला करते थे, कहीं ना कहीं आज खेल के मैदान नहीं है, तो बच्चे नहीं उसके लिए क्या होना चाहिए? खेल का मैदान के लिए आज की जनरेशन भी खेल के मैदान में उतर नहीं है, खो खो भी खेलना चाहिए, दौड़ भाग भी करना चाहिए, आज के डेट में क्रिकेट भी हो गया है, जो जिसके मतलब जितने भी खेल है उस खेल में उनको भाग लेना चाहिए, जो जिसको जिस स्तर में भाग लेना है उस स्तर पे खेल की भाग भी लेनी जरूरी है आज की जनरेशन में। माता पिता के हिसाब से पूछना चाहूंगा कि जो छोटे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं माता पिता की बातों को अवहेलना करते हैं, उनकी बात नहीं मानते, तो माता पिता अगर कह रहे हैं उनके भविष्य के लिए कहते हैं, तो उस विषय में क्या कहना चाहिए कि बच्चों को उनकी बात मानना, माता पिता की बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए, माता पिता की बात मानना चाहिए आज के डेट में, कैसे मानना चाहिए, बच्चे को हर रास्ते में जाना चाहिए, मतलब गलत रास्ता की बात नहीं बोल रहे हैं कि बच्चे को तो खेल कूद की एक घंटा में बच्चे के लिए निकालना है रास्ता, एक मात्र एक घंटा पढ़ाई तो हमेशा 24 घंटा पढ़ाई, लेकिन एक घंटा उनको ग्राउंड के लिए कोई भी अपना एक खेल चुनना चाहिए, और बच्चे के लिए तो संस्कार के लिए एक माता पिता को क्या करना चाहिए? माता पिता तो उसके लिए बच्चे के पीछे रहना चाहिए, बच्चे को हर चीज में टकल करना चाहिए, बच्चे को ये नहीं कि बच्चे को हम छोड़ दिए पढ़ रही मतलब पैसा दे रहे हैं स्कूल वाला वो टीचर को दोष देने से गलत है, पीछे माता पिता को रहना जरूरी है, ये नहीं कि टीचर के ऊपर हम छोड़ दिए, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे आपका कोई भी स्कूल है उसके पीछे, अभी हम मैं मेडिकल कॉलेज से कार्यरत हूँ उस बीच में मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे भी तो कोई अधिकारी के बच्चे हैं, उनके पीछे कोई अधिकारी पीछे पड़े रहते हैं कि नहीं बेटा आपको ये काम गलत नहीं करना है, हर कोई बच्चा ऐसा नहीं रहता है कि एक बराबर नहीं रहते हैं, बच्चे तो उतर चढ़ाव रहते हैं, उसके पीछे तो माँ बाप को रहना ही है और माँ बाप को रास्ता आगे दिखाना माँ बाप को ही रहा, चाहे बच्चा किसी भी क्षेत्र में आगे हो आगे कमजोर हो चाहे चाहो, लेकिन माता पिता को बच्चे का प्रोत्साहन करना चाहिए। आपका नाम बता दीजिए? मेरा नाम है संजय कुमार यादव। और वर्तमान में अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी तो फिलहाल गाड़ी ही है ना, गाड़ी चला रहा हूँ, प्राइवेट गाड़ी एम्बुलेंस, उससे पहले मैं आपका था महतारी एक्सप्रेस जो जननी सुरक्षा योजना है ना, उस पे काम कर रहा था 10 साल से है ना। तो एक मित्र होने के नाते मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका फेवरेट रंग क्या है? मेरा है आपका बोलने से हरा, ग्रीन, क्या है पूरे वर्ल्ड मतलब ग्रीन हरा भरा ये होना चाहिए। तो दोस्तों लगभग हमारे जितने भी साथी हैं सबको जो हरा कलर है काफी प्रिय है, और हमारे यादव जी जो संजय यादव हैं उनको भी जो ग्रीन कलर है काफी पसंद है, अगर मैं अपनी बात करूं बाद में बताऊंगा तो ग्रीन कलर पसंद है। और आपका फेवरेट जो नॉन वेज है चिकन मटन का है तो उसमें सबसे पसंदीदा डिश क्या है? मेरा है रोस्ट चिकन, रोस्टेड चिकन इन्हें पसंद है। और वेज में क्या पसंद है आपको? ये वेज में आलू मटर अरे गजब। तो दोस्तों इन्हें आलू मटर पसंद है। और
अगर बचपन की खेल की बात करें, बचपन की बहुत सारी यादें हम लोग साझा करते हैं एक दूसरे के साथ बैठते हैं, तो बचपन में कौन कौन से खेल आप खेला करते हैं, इनके बारे में हम जानना चाहते हैं। मैं बचपन में हो गया बाटी, भौंरा, पिट्टूल, फोटो है ना, उसके बाद आपका गिल्ली डंडा हो गया, एक वो होता रहा गदा, जो एक राड होता था है ना, वो है जो बरसात के समय, बरसात के समय में खेला जाता था। अभी क्या ये में देखा जाए तो वर्तमान में बच्चे लोगों को मतलब उस सब चीज से दूर है, है ना, ये बहुत मतलब ये लगता है। और अगर अभी वर्तमान की बातें करें, जो बच्चे मोबाइल में दिन भर घुसे रहते हैं, आज का बचपन और आपके समय का जो बचपन था उसमें क्या अंतर था? आज जो मोबाइल है, लेकिन उस समय तो लोग खेलते थे मैदानों में, खेल यानी पेड़ पहाड़ों में, तो उस समय का कैसा बचपन था? उस समय का बचपन और अभी का बचपन में बहुत फर्क है। उस समय हमें मतलब खेलने के लिए बहुत बहुत चीज नहीं हुआ करते थे, मतलब हर चीज हमें मतलब खुद वो करना पड़ता था, जैसे आप झाड़ बंदर हो गया, गिल्ली डंडा हो गया, बाटी हो गया, ये सब चीजें हो गया, मतलब हम मैदान में जाकर खेलते थे। अभी के बच्चे क्या है, सिर्फ मोबाइल, मोबाइल में सीमित हो गए हैं, आपके घर में मैदान तक नहीं है, मैदान तक नहीं है, मतलब उनका ये है कि आपका उनका स्वस्थ न दौड़ रहे हैं न भाग रहे हैं, है ना, तो उसमें क्या है उनके पास एक ये भी है, अब समय नहीं है। आप स्कूल से आते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, उसके बाद आके घर में क्या है, खाना खाए, सो गए, फिर सुबह वही दिनचर्या, तो अभी बहुत बुरा लगता है ये समय, मतलब बच्चों के लिए अभी नहीं मिला, हम जिसको मिला हमको। तो बच्चों का जो शारीरिक या मानसिक विकास है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, बच्चों को मैदानों में निकलना चाहिए या सिर्फ मोबाइल या टीवी में व्यस्त रहना चाहिए? नहीं, मेरा ये है दोनों में रहना चाहिए। आपका शारीरिक है तो आपको मैदान में आना पड़ेगा, आप मैदान में आएंगे, खो कबड्डी फुटबॉल जो बहुत सारे खेल है, आप जब तक उसमें नहीं वो करेंगे कैसे आपका होगा शरीर, ये होगा आप कैसे वो करेंगे, आप खेल में कहाँ जाएंगे, है ना। अब मोबाइल में भी रहना जरूरी है, मोबाइल में भी बहुत सारे हैं, आज के डेट में हो गया आपको मोबाइल में भी है, तो दोनों में ही रहना है। एक आखिरी सवाल ये है कि अगर आप हमारे बस्तर की जो जनता है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं हमारे पड़ोसी हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, चाहे बच्चों के विषय में हो चाहे हमारे क्षेत्र के विकास में होना हो, तो क्या होना चाहिए, हमारे क्षेत्र का विकास कैसे हो और हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़े, उस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा बच्चों के बारे में, सबसे पहले तो अभिभावक को कहूंगा कि बच्चों को ये मत कहें कि आप इतना नंबर लाइए, आपका पड़ोसी ये लाया है ये लाया, आप बच्चों को जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में जाने दीजिए, आप उनको करने दीजिए उनके ऐसे, क्योंकि वो दिल से लेंगे, आप अगर उसको करेंगे जबरदस्ती थोपेंगे वो तो एक वो हो गया ना, आप सर्कस में देखे होंगे कि अगर शेर को हंटर मारोगे बैठ बोलोगे तो बैठेगा, खड़े हो तो खड़े होगा, है ना, वो आपके ऐसे नहीं, वो हंटर के डर से वो करेगा, वैसे ही बच्चे हैं, आप बच्चे को जैसा वो करोगे वैसा होगा, बच्चे को वो कर दो, वो बच्चे चाहेगा मैं इस फील्ड में जाना चाहूं या उस फील्ड में, उसको जाने दीजिए, मार्गदर्शन देने वाले बस आप हैं सही दिशा में। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय यादव जी आपका। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा हमारे भाइयों का रिव्यू जाना, जो मैंने सवाल किए उन्हें वो सवाल कैसा लगा, उसके विषय में उन्होंने जो जानकारी दी वो जानकारी आप लोगों को कैसे लगी, आप लोग कितना समर्थन करते उनकी जानकारियों को, और जो उन्होंने बताया जो उनके जो थॉट्स थे वो कैसे थे, और वो जो बोल रहे हैं वो किस विषय में बोल रहे हैं, हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में वो क्या चाह रहे हैं, आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें अवश्य बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चाहेंगे आप लोगों से आज्ञा, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर, जय बस्तर दोस्तों।